आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आप यूज करते हो अपने जो फोन में यूट्यूब वीडियो के लिए जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करते हो उसके लिए आपको जब अपने यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो उसमें से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है आपका वो जो फ़ोन का फ्रेम है बिल्कुल नहीं आता। उसके लिए मैं बताऊँगा आपको कि आपने फ़ोन फ्रेम कहाँ से डाउनलोड करना है बिल्कुल PNG और बिल्कुल उसका बैकग्राउंड रिमूव करके कैसे उसको अपना काइंड मास्टर से आपको उसको यूज़ करना है अपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो मेरी वीडियो पूरी देखना स्किप मत करना ताकि आपको जो छोटी छोटी ट्रिक है वो कहीं मिस ना हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विन और आप देख रहे हैं सोशल फंडे, आओ कुछ नया सीखे। बिल्कुल फ्री में आपको मैं बताऊंगा कि PNG जो फोटो फोन फ्रेम है जो कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप उसको रिमूव करके बैकग्राउंड उसको कैसे यूज करना है काइंड मास्टर से, वो मैं सब कुछ बताऊंगा लाइव फोन में। जी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में यारों में ताकि सभी को पता चल सके। चलो सीधा लाइव स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ओपन करेंगे अपना क्रोमो पे हमने इस क्लिक करना है। उसके बाद हमें इसको लिखना है फोन फ्रेम PNG HD। इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, वो वाला फोन फ्रेम देखना है जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड और फोन का जो अंदर वाला बैकग्राउंड है वो दोनों सेम हो, उससे आपको बिल्कुल बैकग्राउंड का रिमूव करने में आसानी होगी। जैसे मैंने अजय ले लिया है, ये देखिए आपका फ़ोन का अंदर का बैकग्राउंड वो भी एक है तो बाहर का जो बैकग्राउंड है वो भी सेम ही है, इसको हम रिमूव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे आपको मैं बता दूँ ये वाला लेंगे हम, जैसे ये ले लेता ये लिया, फ़ोन का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है बिल्कुल भी, और अंदर वाला साइड बाहर वाला देख सकते हो आपका कैसा है, तो अंदर वाला जो बिल्कुल वाइट है। जे आपका जो रिमूव करोगे इसका बैकग्राउंड आपका ये पीछे वाला हट जाएगा लेकिन अंदर वाला फ़ोन के अंदर वाला वो नहीं हटेगा। इसके लिए आपको फिर वही अपना कोई ऐसा देखना है जिसमें सेम ही दोनों अंदर वाला और बाहर वाला दोनों बैकग्राउंड सेम हो, जिससे आपको इसमें लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करिए, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा ये डाउनलोड हो गया, हम ओपन करके देखेंगे। ओपन करके देख लिया, ये देख रहे हो बैकग्राउंड के साथ हमारा ये फ़ोन फ्रेम आया है। अब इसका भी हल है हमारे पास। अब हमें इस पर क्या करना है, इस पर सर्च करना है अपना रिमूव BG, सर्च कर दीजिए। उसके बाद आपका आ गया है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, आपका ये फर्स्ट वाला है ये करेंगे, इसको डन कर देंगे। ये हमारा अभी अपलोड हो रहा है, ये बैकग्राउंड के साथ अपलोड हो रहा है, अभी रिमूव हो रहा है, अभी हमारा ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया बिल्कुल। अभी इधर से हम डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारा ये डाउनलोड हो चुका है, हम इधर से इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करके देखने के बाद आप देखते हो बिल्कुल प्लेन में आ गया है, हमारा ये बैकग्राउंड हट गया बिल्कुल, रिमूव हो गया, अब सिर्फ फ्रेम रह गया है। अब इसको कैसे यूज करना है काइंड मास्टर में चल के बताते हैं। चलो काइंड मास्टर में, अब हम अपना खोलेंगे काइंड मास्टर। अब खोलेंगे अपना काइंड मास्टर, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, 16:9 का रेशो लेंगे। जे ऐड को हम काट देते हैं, जे हमने काट दिया। अब हम उसके बाद हम लेंगे अपना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे हम क्लिक किया है तो अभी हम को चूज कर लेंगे अच्छा सा बैकग्राउंड। जे मैं ले लेता हूँ, इसको बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपना लेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डाउनलोड जो हमने फ़ोन फ्रेम जो डाउनलोड किया था विदाउट बैकग्राउंड वो हम क्लिक करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला है, इसको हम बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे। उसके बाद हम फ़ोन का फ्रेम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जो हम ऐसे बड़ा करेंगे, जो हमने बड़ा कर दिया। आप एडजस्टेबल कर सकते हो, साइड पे करना है साइड पे रख सकते हो, इस साइड पे रख सकते हो, नो इशू। अब सेंटर में तो सेंटर में रहने दो उसको, मैं तो फिलहाल सेंटर में रखूँगा, सिर्फ आपको गाइड्स बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करेंगे,
मीडिया क्लिक करने के बाद हमने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, जो हमने यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, वो उस पर क्लिक करेंगे। अब उसमें जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है वो हम ले लेते हैं अभी एक, जो मैंने ले लिया। इसके बाद हम इसको हम एडजस्ट करेंगे बिल्कुल फ़ोन में। हमने फ़ोन में कैसे एडजस्ट करना है, इसको ऐसे क्लिक करके पकड़ के रखना है, तो हमने इसको स्कैच करके खींचना है, जो मैंने किया। उसके हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, जो फ़ोन में बिल्कुल अपने ध्यान से एडजस्टेबल करना है इसको, थोड़ा सा और करेंगे बड़ा। ये देखिए मैंने कर दिया बड़ा। अब हमने सब क्या करना है, इधर से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हम इसको हम क्रॉपिंग करेंगे। क्रॉपिंग क्लिक किया, मास्क पे क्लिक करना है, हमने इसको शेप देनी है, शेप पे क्लिक करना है। जो सेकंड वाली शेप है ना, कॉर्नर वाली, जिस पे हम क्लिक करना है, एडजस्ट करना है। ये ऐसा हो गया है, इसको हमने फिर क्लिक करना है। फिर ये थ्री डॉट दिख रहे हैं आपको, ये थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने ये दिख रहा है सेंड बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसका पीछे चला जाएगा, जैसे कुछ ऐसा बन के आएगा। हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये आपने देख लिया, ये कुछ ऐसा करके फ्रेम बन के आएगा। इसके बाद आप इधर से इसको किसी भी फ्रेम में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर देना, जब तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना भैया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भैया कर देना। आपका प्यार ये बना रहेगा तो हम वीडियो और शीशी लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शबा खैर।